आर्ट ऑफ लिविंग वुमेन क्लब व सामुदायिक चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज नियर चौक के सहयोग से मंडी के सेरी मंच पर निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने किया। आर्ट ऑफ लिविंग वुमेन क्लब की प्रधान सुमन कश्यप ने बताया कि शिविर में 400 लोगों के स्वास्थ्य को जांचा गया। शिविर में लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की गई और ये निर्णय भी लिया गया कि भविष्य में उनका संगठन एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श गांव बनाना चाहता है। इस पर उपायुक्त ने मौके पर हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई इस कैंप का आयोजन जो है वो एओएल क्लब एओएल वुमेन्स क्लब मंडी ने यहाँ पर किया है। जैसे कि आप बता रहे थे कि जो इसका जो क्लब फॉर्मेशन का जो मेन इंटेंशन था वो था कि लाइक माइंडेड वुमेन को एकत्रित लाना, और ये बड़ा सराहनीय कार्य है कि आप सभी एकत्रित आए हैं यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, और इसमें आप समाज को कुछ आपकी एकजुटता से समाज को कुछ देने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे ये आपने एक आयोजन रखा हुआ है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और इन जनरल जिस प्रकार से हम अपने हमारा जो जीवन चला हुआ है उसमें ये सब डिजीजें काफ़ी बढ़ रही है, और इसके जो उपाय हैं बड़े साधारण उपाय हैं। अगर सभी लोग हमें अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और जैसे कि अपने डी स्ट्रेसिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो अगर सभी लोग इंश्योर करें तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इन बीमारियों का शिकार बनेंगे। अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो उसमें कैसे आगे काम करना है, कैसे अपना कार्य जो है वो चेंज करना है, और अगर कोई स्वस्थ आदमी यहाँ पर आता है उसको उसी तरीके से आने वाले समय में भी रहने के लिए क्या अपनी स्टेप्स उठानी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फूड हैबिट्स को बदलना चाहिए, इसके भी ये जरूर इनको गाइडेंस देंगे।